हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही अहम बात आपसे आज करने वाले हैं। आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कितना सीट है, 700 समथिंग है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, चलो हम लोग मान लेते हैं 800 सीट है। लगभग 8 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, हो सकता है वहां भी डाटा मेरा गलत हो जाए, लेकिन लगभग 8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 800 के आसपास सीट मान के चलते हैं, थोड़ा बढ़ भी सकता है आगे, क्लियर। अब एक बात बताइए, 8 लाख स्टूडेंट लगभग और इधर लगभग 800 सीटें, क्या लग रहा है? हर 1 लाख पे लगभग 80 लोग ही फाइनल सिलेक्शन लेंगे, और आप में से जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सब दावेदार हैं उस सीट के लिए, सब दावेदार, सब कह रहे कि नहीं इस बार हम तो फोड़ ही देंगे, इस बार हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन हकीकत है कि बस 80 स्टूडेंट 1 लाख में चुना जाएगा। क्या 80 स्टूडेंट जो 1 लाख में चुना जाएगा, ये किसी भी एग्जामिनेशन में, मैं कह रहा हूं जो जिस एग्जाम के लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है 80 के अंदर आ रहे हो? और क्या लगता है कौन से स्टूडेंट 80 के अंदर आते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो कौन आते हैं? यूपीएससी को उठाइए, अलग अलग जगह को उठाइए, आज हम बात करेंगे उस 80 में कैसे पहुंचा जाए। उस 80 के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर सक्सेस नहीं लेता है, सक्सेस हमेशा रिसर्चर होते हैं, वही सक्सेस लेते हैं। और वाइड, काफी विस्तृत अप्रोच के साथ जो लाइफ को, जो पढ़ाई को देखता है, सक्सेस अक्सर हाँ वही होते है। 1 लाख में 80 पे आना है, और मैंने जो रिसर्चर वर्ड यूज किया, कुछ लोगों के दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि अच्छा साइंस वाइंस टाइप का रिसर्च करना है, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, ना ये रिसर्च वर्ड एकदम से छोटे जगह पे फिट मत कीजिए। सिलेक्शन लेने के लिए रिसर्चर बनने का मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरह से देखिए, आपके अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, हर जगह आपको तौलना पड़ेगा खुद को, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट बनना इतना आसान नहीं होता। किसी पढ़ के बन गए, देखो पढ़ के कोई एग्जाम क्वालिफाई करना तो सबसे इजी काम है, सबसे इजी टास्क है, वो तो बनना आसान है, क्योंकि कोई 14 पढ़ेगा आप 16 पढ़ लोगे, कोई 4 पढ़ेगा आप 8 किताब पढ़ लोगे, लेकिन यहां ऐसे काम नहीं चलता। क्यों कह रहा हूं मैं कि आपको रिसर्चर बनना है, उसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक है। देखिए होता क्या है, हर एक स्टूडेंट यूनिक है, हर एक की खासियत ही अलग है, कोई 4 घंटा में किसी के 14 घंटा के बराबर पढ़ सकता है, और कोई इतना शार्प होता है कि 3 किताब रखेगा और 1 किताब के बराबर भी नहीं पढ़ेगा, समझ में आ रहा है? 3 किताब वो रख रहा है लेकिन पढ़ रहा है 1 के बराबर भी नहीं, उसको पता है 2 यहां से चैप्टर उठाने, 4 वहां से और 6 वहां से, खत्म कहा इतने में ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है? वो डिपेंड करता है वो किस तरह का रिसर्च करता है। देखो आपको अब मैं समझाता हूं अच्छे से कि रिसर्चर क्यों कहा मैंने, रिसर्चर इसलिए मैंने कहा कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर कैसे सूट करता है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, कमियां कहां कहां हो रही है, पर्सनालिटी के कारण आपकी पढ़ाई पे क्या क्या असर पड़ रहा है, इन सब पे आपको खुद ही रिसर्च करना है, कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, जो बहुत नजदीकी रहेंगे, जो आपको 24/7 एटलीस्ट कम से कम 6/6 जज करते हो, तो वो थोड़ा बहुत बता सकते हैं आपके बारे में, अदरवाइज ये आपको अच्छे से तय करना है। क्योंकि आप सोचिए कि आप कंपटीशन किसको दे रहे हैं, आप एक पर एक धुरंधर को कंपटीशन दे रहे हैं, और आप एक पर एक धुरंधर जो आपके सामने आ रहा है वो कहां कहां किस स्किल का है आपको नहीं पता है। कई लोग बड़े अच्छे से खेलते कूदते हुए एग्जाम निकाल लेते हैं, सुना है ना, आप लोग भी कहते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में कि अरे वो तो दिन भर घूमता ही रहता था, निकाल कैसे लिया, क्योंकि उसने मैनेजमेंट सीख लिया था अपना, उसको पता है हम घूमेंगे लेकिन जो बीच का टाइम है उसको हम कैसे करेंगे, उस पर उसने रिसर्च कर लिया था,
उसने एकदम सब कुछ खाका तैयार कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग काम किया, हिट कर दिया। उसको पता है कि अभी हम घूमेंगे 2 महीने, लेकिन अगले 2 महीने ऐसे बंद होंगे कि किसी को दिखेंगे नहीं, और बंद हो जाता है, आपको पता ही नहीं है, आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहां खोजिएगा उसको। उस 2 महीने में उसने पलट दिया इधर से उधर। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे रिसर्च है। हर सक्सेसफुल इंसान, वो किसी भी फील्ड में हो, वो बिजनेस में हो, एजुकेशन के अंदर हो, या कहीं पे जो नौकरी के अंदर हो, इवन ये रिसर्च आपको करना पड़ता है। तो अभी आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए हम अभी रिसर्च को काफी श्रिंक करके एक जगह अगर लेके आए, तो आपको अभी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि कहीं आपका पर्सनालिटी हावी तो नहीं हो रहा, आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, वो आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहना, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को किताब के फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, हो रहा है क्या ऐसा? और अगर ये हो रहा है तो खतरे की घंटी है, बचा लीजिए। इसके अलावा आपका इधर उधर फोन पे ज्यादा टाइम बर्बाद करना, या आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन होना जो आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है, आपके अंदर जेलस की बहुत भावना होना, आपको छोटी छोटी बात पे खुन्नस खा के बैठ जाना, या किसी से रिवेंज और बदला लेने के मोड में पढ़ाई करना, ऐसी कई सारी आदतें हैं जो आपको बैकफुट पे लाती है। हर रोज, हर दिन और हर घंटे आप पीछे चले जाते हैं आगे जाने के बजाय। तो इस पे आप काम कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपका काम होना, आपका शांत होना सबसे ज्यादा अहम मैटर रखता है, पढ़ाई उसके बाद आती है। तो पहला है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप खुद से खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? अगर पहुंचा रहे हैं, वो चीज पढ़ाई पे असर डालता है, उसको कम करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये रही एक बार, अब आइए पढ़ाई पर। तो पढ़ाई के पहले आपको अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा। एक हेल्दी इंसान जितना अच्छा पढ़ाई कर सकता है, उतना अनहेल्दी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड एंड बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपका शरीर पढ़ना, आपका दिमाग पढ़ना चाहेगा, आपका शरीर साथ नहीं देगा, या आपका शरीर बहुत एक्टिव है, मेंटली वीक हो गए हैं अलग अलग कारणों से, तो आप तब भी नहीं पढ़ सकते। माइंड एंड बॉडी दोनों साउंड होना चाहिए, दोनों मजबूत होना चाहिए। इसके लिए काजू, किशमिश और अखरोट खाना ही जरूरी नहीं है। आप एक हेल्दी डाइट पे रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के सूर्य नमस्कार ही करें, लेकिन एक हल्का फिजिकल एक्सरसाइज, एक सही डाइट जरूरी है जो आपके माइंड एंड बॉडी को कूल रखे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, 2 घंटे में वो काम करोगे जो 6 घंटे में थके हारे नहीं कर पाते थे। तो दूसरा तो यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है कि क्या आप कहाँ पे हैं। आप अगर नहीं है वहां पे, तो आप उसको ठीक कीजिए। और तीसरी, अब आते हैं पढ़ाई पे, यानी पढ़ाई हमेशा से लगभग लास्ट पे ही रहता है, और यही एक्चुअली हम इन सब को स्किप करके उस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि रिसर्चर नहीं है हम। अगर रिसर्चर रहते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब देखो, अब पढ़ाई पर देखिए कि आपके आसपास कंपटीशन का क्या माहौल है, कट ऑफ कितना जा रहा है, आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, और उस रिसोर्स का आप यूज कैसे कर रहे हैं। क्या स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, या वही गधा वाला स्टडी हो रहा है, पुराने जमाने वाला। मैंने जानने में एक रिलेटिव है, उसका बेटा बहुत मार खाता था, इसलिए मार खाता था कि वो उनकी तरह 16 घंटे नहीं पढ़ता था। पता चला कि वो 3-4 घंटे पढ़ता था, माइंड काफी शार्प था, 21वें साल में ही ग्रेजुएशन किया, 21वें साल में पहले बार में हिट कर दिया। लेकिन माता पिता नाखुश रहते थे, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि स्मार्ट स्टडी क्या होता था। हाथ में मोबाइल है, आज के जमाने में कोई टॉपिक और कोई चीज सर्च करने में क्या इतना टाइम लगेगा। लेकिन लेकिन आपके पास रिसोर्सेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ने का तरीका आपका आपका अपना होना चाहिए, और आप उससे कितना क्या निकाल पा रहे हैं ये आपको देखना होगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने तैयार हैं और कितने हवाबाजी में हैं ये भी। हवाबाजी करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलना ही चलना है, वहां पे तो आएंगे ही मुंह लटका के। उससे बेहतर है कि बाहर में सीखने की कोशिश कीजिए, एग्जाम हॉल में पहुंचने के पहले सीख लीजिए जितना सीखना है, नहीं तो वहां पे कोई बचाने वाला तो आना नहीं है।
डूब जाना है, जो डूब तय है कि अगर आपने गलत किया है तो डूबेगा। तो अपने पढ़ाई पे कितना घंटा पढ़ के आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो जिस जहां पे कट ऑफ का चिंता ना है आप नहीं रहे आपके पास, जहां कट ऑफ का चिंता आपके पास ना रहे, बेफिक्र होके प्रीलिम्स भी निकलेगा और बेफिक्र होके मेंस भी निकलेगा। कई स्टूडेंट हैं जब एग्जाम देके आते हैं तो मिलाते नहीं है, सीधा फेंक देते हैं क्वेश्चन पेपर घर में आके, मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने कर दिया जो करना है और रिजल्ट आना ही आना है। ठीक उसी तरह से जब हिट करने के लिए सौरभ गांगुली और धोनी निकलता है तो एक बार बल्ला चल गया तो वहीं खड़ा हो गया, विराट कोहली किसका एग्जांपल है, खड़े हो गए अब तो वो गया। क्रिस गेल कभी देखते हो, क्रिस गेल को कभी घूम के देखते हुए मार देने के बाद, क्योंकि उसको पता है वो गया, बाउंड्री के बाहर ही रुकना, इधर नहीं रुकना है। उसी तरह से उस लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी, उस लेवल पे मेंस पे आना पड़ेगा। टाइम जो आपके पास अभी बचा हुआ है इसका बेहतर यूटिलाइज आप कैसे करेंगे ये भी आप तय करेंगे, इसके लिए आपको भी रिसर्च करने की जरूरत है। जितना आप चिल्लाते हो हमको नहीं आता है, नहीं आता है और नहीं आता है, उससे कम टाइम में अगर चार बार पढ़ लिए होते तो ये प्रॉब्लम ही समाप्त हो गया होता। कोई ऐसा टॉपिक है जो चार साल पहले भी नहीं आता था और आज भी नहीं आ रहा है, जो चार साल पहले नहीं आता था आज भी वो नहीं आ रहा है, ऐसा टॉपिक इतिहास में, इतिहास नहीं इंटायर सब्जेक्ट में नहीं बना है जो चार साल के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा और तब भी नहीं आ रहा है, तब कुछ नहीं हो सकता, तब यानी आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है। दिक्कत यह है कि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। रिसर्च करना आज से शुरू कर दीजिए, सफलता कल ही हाथ लग जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सूडो कॉन्फिडेंस में नहीं डालना है, एक आम इंसान की तरह देखकर, और हम कर लेंगे, कर रहे नहीं है, हवा में कर लेंगे, इससे बाज आइए। और जितने रिसोर्सेज होने चाहिए वो किताबें आपके पास होनी चाहिए, वो नोट्स आपके पास होना चाहिए, वो टेस्ट आपके पास होना चाहिए। कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है कि आपके रोने धोने और आपके एक्सक्यूज करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। रिजल्ट होगा वहां पे, आपने लिखा है तो रिजल्ट होगा, नहीं लिखा है तो गिर गिराकर मेरी हड्डी टूट गई या मुझे डेंगू का फीवर हो गया था या मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, क्योंकि वहां आपके पीछे भीड़ आ रही है। 1,80,000 के अंदर आना है, उतने जो निकलने वाले भीड़ है वो आप निकल जाओगे, वो इन कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी अग्निवीर वाला जो योजना है क्या हुआ, सब फॉर्म भरने लगे ना, फर्क नहीं पड़ता है किसी को। इसीलिए आपको खुद को मजबूत करना होगा उस लेवल पे जहां पे डर और चिंता और कट ऑफ का जो कपकपापन है वो समाप्त हो जाए। होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी। इतना पे भी अगर समझ में नहीं आया, ऊपर वाला भी मालिक नहीं हो सकता उसके बाद, ठीक है। तो ये एक अहम बात थी, इसीलिए कहते हैं रिसर्चर बनिए, रिसर्चर बनेंगे सफलता मिलेगी। और सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे, सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, सर दर्द के लिए दवाई उसने खाई तो हमने भी खा लिया, ये सफलता सक्सेस वाले लाइन में ये नहीं चलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो क्या कर सकते, एक बार और देख लीजिएगा, हो सकता है समझ में आ जाए, और तब भी नहीं आए तो कोशिश करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जो टॉपिक है वो भी होगा आपका जो चल रहा है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की हो।